आ गया मैं ठीक से आ रहा हूँ। हेलो गाइस, एक बार और एक और नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और इस बार मैं हूँ कमला नगर, क्योंकि आज मेरा प्लान बन गया शाम में कि मैं कमला नगर घूमने जाऊँगा, तो सोचा कि आप सबको भी लेके चलूँ। तो ये वीडियो होने वाली कमला नगर की, बने रहे लास्ट तक, दिखाता हूँ यहाँ पर क्या घूमने वाला है, क्या देखने वाला है। और अगर कोई भी मेरा भाई यहाँ पर आ रहा है तो इस चौक पर खड़े रहते हैं, उनसे बच के आइएगा। चलो आते हैं वीडियो में। ये देखो भाई, ये कमला नगर मेन चौक है ना, और यहाँ पर शॉप्स है, ये वाइल्ड क्राफ्ट, और यहाँ पर मैक्स पड़ता है, और बढ़िया बढ़िया कपड़े मिलते हैं भाई वहाँ पर, और इस वाले मैक्स की कलेक्शन बहुत अच्छी होती है। अभी प्लान ये है कि मैं कमला नगर के बाद जाऊँगा मजनू का टीला, तो आप लोगों को दिखाऊंगा मजनू का टीला की मार्केट कैसी है, क्योंकि वो भी मार्केट, कमला नगर मार्केट और उसके बाद मजनू का टीला मार्केट भी बहुत फेमस है इस एरिया में स्पेशली। यार बाहर से यहाँ से कपड़े खरीद सकते हो आप लोग, यहाँ देखो ऐसी सेल लगती रहती है यहाँ पर। और ये कमला नगर का ना मेन गोल चक्कर है, ये स्पार्क्स मॉल है, इसके अंदर बढ़िया सारी सुविधा, एप्पल का जो है शोरूम भी इसके अंदर ही मिल जाता है ना। और इसमें से ना डिवाइडेड हो रखी है बहुत सारी गलियां, और सारी गलियों में ऐसी मार्केट लगती है ऐसी इस गली में लग रही है। अभी अभी ना आंधी आई थी, जिस करके सब लोगों ने अपनी दुकान हटा ली है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, देखो यहाँ ना दुकानें लगती है, पर अभी अभी आंधी आई थी तो सब ने दुकानें हटा ली अपनी। तो यार अभी हम ना ग्लव्स लेने रुके हैं। कितने का भैया ये? 40 का 100 का तीन। क्या क्या? 40 के 100 का तीन है। 40 के 100 का 3। ये बढ़िया लग रहा है यार, यार ये निकल जाते हैं ना आज, मतलब उतनी इंटेंसिटी से ना मार्केट लगी नहीं हुई है जितनी लगती है, और हमेशा से वैसे ज़्यादा लगती है पर अभी कम लग रही है, क्योंकि अभी एकदम ना आंधी आई थी, पूरा पीछे ना मेरे खाली पड़ा हुआ है। तो यार अभी जो चाहिए था वो तो मिल नहीं रहा, तो यहाँ से जा रहे हैं अभी हम मजनू का टीला है ना, और वहाँ की मार्केट भी दिखाता हूँ आपको कैसी है। यार अभी का प्लान हो गया कैंसल, मैं नहीं जा रहा हूँ वहाँ पर क्या कहते हैं मजनू का टीला, क्योंकि मजनू का टीला मैं इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा जाम लगता है, और यहाँ से सड़क कमला नगर से जो सड़क जाती है मजनू टीला, उसके बीच में मेरा घर पड़ता है, और जो आगे वाली सड़क है उस पर बहुत ज़्यादा लगा हुआ था जाम। तो मैंने सोचा यार जो मिल नहीं रही है चीज़ उसके लिए इतना क्यों, कल चले जाएंगे तो कल घूम लेंगे मजनू टीला है ना। तो अभी आ गया मैं घर, और घर पर खाना पीना खाते हैं, फिर आपको आगे के अपडेट देते हैं। और आज का व्लॉग स्टार्ट ही मैंने शाम में किया था, क्योंकि ऑफिस के आने के बाद स्टार्ट किया था, सुबह स्टार्ट नहीं किया था, क्योंकि सुबह तो आपको पता ही है क्या कहता है। और सुबह आज मैं डॉक्टर के पास गया था, उसने बता दिया कि मेरे को कोई कार्डियक वगैरह पेन है नहीं,
है ना, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, बस खाने पीने की ठीक रखना चाहिए, गैस वैस जो ना बने, ब्लोटिंग ब्लोटिंग ना हो, है ना। तो इसलिए सुबह का नहीं दिखाया, ऑफिस से आने के बाद दिखाया, सुबह से तब दिखाऊंगा जब मैं ऑफिस नहीं जाया करूंगा, है ना, मतलब ऑफिस नहीं जाऊंगा तो कहीं और जाऊंगा, तो घूमने जाऊंगा तो आपको भी लेके चलूंगा। तो आ गया है खाना, और खाने मम्मी ने बनाया दाल चावल, और पापा भी खा रहे हैं दाल चावल, और हम खाने के साथ साथ ये खाते हैं, इसको कहते हैं लहसुन, क्योंकि खून को पतला कर देते हैं, और आजकल मेरे को जैसा पेन हो रहा है, और पापा को थोड़ा सा शक हुआ था कि भाई इसको कार्डिक पेन हो, अगर कार्डिक पेन बाय चांस हो तो ये खा ले तो उससे खून जो है वो पतला हो जाता है ना, तो तब से तो मैंने ये खाना चालू कर दिया, और ये एक्चुअल में वर्क करता है पता है। और ये हो गया, और ये सब चीज़ें हो गई, जैसे प्याज वगैरह, ये सब एक्चुअल में वर्क करते हैं भाई। तो अभी खाना खाते हैं और फिर बाहर जाते हैं घूमने के लिए, तब मिलते हैं। खाना वाना खा लिया है, और टेबल से सामान जो है वो क्लीन कर देते हैं, और ये सारा सामान रख देते हैं किचन में ताकि टेबल क्लीन हो जाए। ये कहाँ रखूँ मैं ये वाला, हाँ और ये आम लाया था मैं, मैंगो शेक बनाएंगे रात में। पर यार मेरा मन कर रहा है कि मैं ना टीवी देखूं, क्योंकि मैं एक मूवी देख रहा था, कौन सी थी वो, पंजाबी मूवी बाजरे दा सित्ता, वो देख रहा था मैं। पर यार बाहर का मौसम देखो भाई क्या हो रहा है, और भाई बारिश आने लग रही है बाहर, तो बादल गरज रहे हैं बढ़िया, हवा चल रही है बहुत तेज। रूडनेस, तो काम ही बढ़िया कर रहे हो आप। और ये मम्मी काट रही है स्लाइस मैंगो के, और अब इसमें इसमें काट काट के डाल रही, देखो मम्मी के हाथ से कैसे मस्त वो एकदम टपक रहा है नीचे। दूसरा वो लेके आ जाके, जा प्लेट लेके आ, ये रखूंगी गुठली, चल प्लेट है ना इसमें माल भरा हुआ, माल किसमें, गुठली में। ओहो हो, मम्मी का कहना है कि गुठली में माल भरा हुआ है, माल क्या, मग्घा पानी लेता हूँ तो मैं फोन किससे पकड़ू, पहले आधा मग्घा पानी लेके आऊंगा। आधा मग्घा पानी और प्लेट छोटी, ओहो ऐश्वर्य राव आचरण, प्लेट पे ध्यान दो, ये लो। अरे भगवान, छोटी प्लेट ही तो बोली थी आपने, इससे छोटी नहीं है, रख दे उधर, ये लो। अरे पागल, किधर रख दूँ, उधर बोला है आपने। सब चलता रहता है हमारे घर में। तेरा दिमाग ना घुटनों में है, ओए होए हटा ले इसको, बता रही मैं, देख लो काम करने थे मेरे को अभी। हमें प्यारे लग रहे हो इस एंगल से, मस्त लग रहे हो, अभी मेरा काम हो जानते जरा। हाँ भाई आपके, आप काम करोगे तभी तो हमको खाना मिलेगा, ये तो काम लेके आया है। आप काम करोगे तभी तो मैंगो शेक मिलेगा हमको। ओए ओए, काम लेके आया है, मस्त मस्त स्लाइस कट रहे हैं। मम्मी छिलका तो उतार ही रहे हो ना आप,
पापा आम का सीजन कब से स्टार्ट हो जाता है? हाँ आम का सीजन बंद कब होता है? हमेशा रहता है आम का सीजन, तो कभी भी ले ले जाके। जब शुरू होता है आम का सीजन कब से स्टार्ट होता है? मई जून से शुरू ही है। मई जून और सबसे बढ़िया आम आते हैं बरसात में। ओ बरसात में आते हैं बढ़िया आम? कहाँ से आते हैं बरसात में? ये चक्कू देख रहा है तेरी जवान पे मारूंगे समझे बदतमीज़, दिमाग खराब मत करा। बरसात में आते हैं आम बोलते ऐसे रहे हो मेंढक निकलते जैसे। अब इनको तो देख के खाना खाने। कहावत क्या है? क्या है? आम खाओ गुठली ना गिनो, लेकिन तू लेकिन मैं आम मत खा और गुठली खा। ये गुठली? हाँ नहीं और ये मैं ये खाऊंगा और ये गुठली। पर इन गुठलियों को संभाल संभाल के क्यों रख रहे हो? तेरी खोपड़ी पे उगाने के लिए। ओए होए आम उगाओगे मेरी खोपड़ी पे? तीन आम अभी हो जाएंगे। तीन आम के कितने गिलास बन जाएंगे है? तीन आम के कितने बना ले इसके? तो बनाओ फिर, चलो करो पीसो। मैंने कर दिया पीस के ना, फ्रिज में रख देना और इसमें डालो ठंडा पानी। हाँ भाई और एक मिनट, फ्रिज में रख रहे हो तो ठंडा पानी को डाल रहे हो? और ठंडा हो जाएगा, बढ़िया लगेगा मस्त एकदम। ठंडा करना है तो फ्रीजर में रख दो ना। फ्रीजर में ना जम जाएगा, फिर हथौड़े से तोड़ियो। ओए होए को रखा नहीं जाता तो करो ना, फिर रखा नहीं जाता तो बनाओ। चलो मैंने कर दिया, अब ये तुम्हारा काम है अब आगे। सही बात है भाई, दोनों पति पत्नी मिल बांट के करो। तू तो मत करे कुछ भी, है तेरा काम ये है बस पति पत्नी मिल बांट के करो। तू तो कुछ करे मत, दांत दिखाता रहता है बस। अब दांत लगे ही ऐसी जगह पे दिखते हैं, मैं क्या करूं? देव ना एक 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 टुकड़ा मैं भी खा लूं। शरबत रसीले आमों से बना। लो मैं नहीं खा रही, मैं जूस पीऊंगी इसका। इसमें है ही क्या, मैं निकाल तो सारा दिया। गुठली इसमें डालो। मुझे आ गया मीठे, तो ना और भर दो। बताओ ये भी काट लो, इनका क्या करोगे? या इसका कल बनाएंगे फिर? हाँ है ना, कल बनाएंगे। इतने टाइम रात को सोने का टाइम पे खाएंगे। या चलो अब इनका काम है। ये मम्मी का काम फिनिश या और पापा का काम स्टार्ट? या हाँ भाई गाढ़ा गाढ़ा हो रहा बहुत ज्यादा। ये तो चम्मच से खाने वाला हो रहा है अभी। ये बात ज़्यादा कोई नहीं, एक बर्फ मेरे नाम की निकाल, ग्लास निकाल। इसको कर तो लो, घुमा तो लो इसको। आएगा ग्लास ये तो रे। डिस्पोजेबल मम्मी नॉर्मल ना, ये जो प्लास्टिक वाले डिस्पोजेबल है मम्मी। और कौन से हैं डिस्पोजेबल?
अरे निकल जा। यार ये अभी इतना गाढ़ा हो गया कि कटोरी में करना पड़ रहा है इसको अलग से। पापा छोटी पड़ गई कटोरी यार, छोटी पड़ गई है कटोरी पापा। छोटी नहीं पड़ी तो फिर एकदम भर देना उसको एकदम नाक तक। पानी और हेलो अब बनेगी ना थोड़ी 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 बात आएगी अब। बस 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 क्या डाल रहे हो? ये शक्कर है ना शक्कर। अभी बनने लगा है मैंगो शेक। ये देखो ये सीपी से खरीद के लेके आया था मैं। ड्रीम्स प्लस वर्क इज इक्वल टू सक्सेस। बाहर आया ना तो बारिश हो रखी थी बहुत ज़्यादा, तो अभी जो आंधी दिखाई थी आपको तो उसके बाद बारिश हुई और बढ़िया ठंडा मौसम हो गया यार। दिल्ली का समझ नहीं आता, कभी इतनी गर्मी हो जाती है कभी एकदम से ठंडे पड़ जाती है। बस यहीं पे ये रे ग्लास। अब ऐसे कोई पुलिया पे बैठ के तो खाएंगे ही नहीं, अंदर आएंगे। और फाइनली आ गया हमारा मैंगो शेक। ये पापा ने करा और नीचे गिरा दिया, और अगर मम्मी को पता लग गया ना पापा आपने ये कांड करा है। मेरे को पीली चीज ना ऐसे पीना अच्छा नहीं लगता, वो भी इतनी गाढ़ी गाढ़ी है ना, है ना, गंदा सा लगता है। ये देखो मम्मी का खौफ। इस रात के 9:30 हो रहे हैं और ये थी आज की वीडियो, और मिलता हूँ आपको एक और ऐसी नई वीडियो में कल। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और गुड नाइट।